सिकंदर भारती ने साल 1989 में मूवी घर का चिराग से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नीलम कोठारी, चंकी पांडे और शफी इनामदार शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 7,35,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1991 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई रुपया 10 करोड़। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, चंकी पांडे, अमृता सिंह और सोनू वालिया शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,85,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,28,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सैनिक। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, अश्विनी भावे, रोनित राय, फरहीन और लक्ष्मीकांत बेड़े शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,40,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,10,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,25,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई पुलिस वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में चंकी पांडे, सोनम, किरण कुमार और इशरत अली शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 80,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 85,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,65,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1994 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई दो फंटूस। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, सोनम, सदाशिव अमरापुरकर, विकास आनंद और शक्ति कपूर शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 85,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 9,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 16,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1994 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई जालिम। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, मधु, मोहन जोशी और विष्णु वर्धन शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,18,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,48,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई भाई भाई। इस मूवी के लीड कास्ट में सम्राट मुखर्जी, मानिक बेदी, शक्ति कपूर, रितु शिवपुरी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,68,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,76,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1998 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई दंड नायक। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, मानिक बेदी, इंद्र कुमार, आयशा जुल्का, इसका चोपड़ा, आदित्य पंचोली और परेश रावल शामिल थे। ये एक एक्शन मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,46,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1998 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई सर उठाकर जियो। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, मधु, मानिक बेदी, आयशा जुल्का, रजा मुराद, किरण कुमार
और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,80,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,13,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2019 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई रंगीला राजा। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, अनुकुमा अग्निहोत्री, मिशिका चौरसिया, दिगागना सूर्यवंशी और महेश आनंद शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 8 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 34,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको सिकंदर भारती की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। सिकंदर भारती की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।